हेलो दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो केजीबी और रशियन स्पाई एजेंसी में मैंने आपको इस रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस और डोमेस्टिक रशियन एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट और डिक्लाइन के बारे में बताया और आज मैं आपको इसी खुफिया एजेंसी के इंडिया में रोल के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे इनके मास्टर प्लान्स और एजेंट्स ने हमारे देश के आंतरिक मामलों में घुसपैठ की। पर इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं अपने सभी व्यूअर्स और ऑडियंस को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए सभी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन द मिथ्रोकिन आर्काइव वॉल्यूम 2 बुक से ली गई है, जो मैं आपके सामने बिना किसी छेड़छाड़ के एज इट इज प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरह का ये दावा नहीं करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स 100% ट्रू है या नहीं, क्योंकि इन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को मुझसे ज्यादा आप टेस्ट करने में सक्षम है। अपने इन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के जरिए मैं बस बुक के अनुसार केजीबी के रोल को इंडिया में बताना चाहता हूँ, जिसका उद्देश्य किसी को भी इंसल्ट करना नहीं है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स की शानदार जीत के बाद यूएसएसआर और यूएसए में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा हो गए, क्योंकि जहां सोवियत दुनिया भर के देशों को कम्युनिज्म और सोशलिज्म का पाठ पढ़ा रहा था, वहीं यूएसए भी अपनी डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की थ्योरी से पीछे नहीं हट रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज अस्त हो गया और इंडिया की तरह बहुत सी कंट्रीज ब्रिटिश राज से आजाद हो गई। ऐसा लगने लगा मानो अब सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, पर ये कोई नहीं जानता था कि आजादी के बाद भारत में CIA और KGB की जासूसी का एक नया युग शुरू होने वाला था, जिससे हमारा देश एक बार फिर विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने वाला था। इंडिया में KGB की एक्टिविटीज के ये सभी फैक्ट्स मुझे मिथ्रोकिन आर्काइव वॉल्यूम 2 बुक से मिले हैं, जो कि KGB के स्पाई और सीनियर आर्किविस्ट वसीली मिथ्रोकिन के हैंडमेड नोट से तैयार की गई है। इस किताब में ऐसे बहुत से चैप्टर्स मौजूद हैं जो KGB के इंडिया और गांधी फैमिली के साथ के रिलेशंस को कंफर्म करते हैं। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद दोनों खुफिया एजेंसीज CIA और KGB ने अपनी नजरें भारत पर जमा ली। दोनों ही एजेंसीज भारत पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, ताकि उन्हें एक पोटेंशियल रीजनल पावर मिल सके। इस किताब के चैप्टर द स्पेशल रिलेशनशिप विद इंडिया द सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिथ्रोकिन ने बताया है कि जोसेफ स्टालिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत ही पुअर ओपिनियन रखते थे। उन्होंने बताया है कि स्टालिन के मुताबिक नेहरू और महात्मा गांधी दोनों ही इंपीरियलिस्ट पपेट थे, जिन्होंने विदेशी ताकतों के आगे सर झुकाकर अपने ही लोगों को धोखा दिया, ताकि वो भारत में एक बार फिर से इन विदेशी ताकतों की जड़ों को मजबूत कर सके। ऐसा माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी ने USSR में एक डिप्लोमेटिक विजिट की, जहां पर हर घटना को अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई। मित्रकिन बताते हैं कि इसके बाद भारत CIA और KGB एजेंट्स के लिए एक प्लेग्राउंड बन गया, जहां वो अपनी मनमर्जी के अनुसार घटना को अंजाम देने लगे। पर इन खुफिया एजेंसियों की इंडियन गवर्नमेंट में तब घुसपैठ बढ़ गई जब जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली। केजीबी के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में इंदिरा गांधी को वैनो कोडनेम दिया गया, जिन्हें देश की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बदले में सोवियत ऑफिशियल से 20 मिलियन रुपीस की भारी भरकम रकम दी गई। उनका तो ये भी कहना था कि जिन बैग्स में इंदिरा गांधी को ये पैसे दिए गए थे, उन्होंने उन बैग्स को भी उन्हें वापस नहीं लौटाया, जो काफी शर्मनाक था। नेहरू और इंदिरा गांधी के बार बार कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया की तारीफ करने से एक बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि ये दोनों ही पूरी तरह से KGB के कंट्रोल में थे। और असली टेंशन तब सामने आई जब कांग्रेस पार्टी के 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स को सोवियत फंडिंग के जरिए इंदिरा गांधी के शासन में इलेक्ट कर लिया गया। यही नहीं, सोवियत बैकिंग और इन्फ्लुएंस के कारण ही पूर्व रक्षा मंत्री वी कृष्णा मेनन ने ब्रिटिश लाइटनिंग की जगह सोवियत मिक्स को खरीदा, क्योंकि 1962 और 1967 के उनके इलेक्शंस को KGB ही फंड दे रही थी। मित्रोखिन ने अपनी किताब में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सोवियत कनेक्शन को भी रिवील किया है, जिसके मुताबिक सोवियत ने CPI को मल्टीपल वेज में फंडिंग प्रोवाइड की, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक के दौरान
कार विंडो से भी कैश का लेन देन किया जाता था। केजीबी अब धीरे धीरे इंडिया के बहुत अंदर तक घुसपैठ कर चुका था, जिसमें उनके एजेंट्स का इंडियन एम्बेसी से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को निकालना, इंडियन डिप्लोमेट्स को सीड्यूस करके ब्लैकमेल करना शामिल था। केजीबी की इन फीमेल स्पाई एजेंट्स को स्पैरो कहा जाता था, जिन्हें किसी को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की परफेक्ट ट्रेनिंग दी जाती थी। 1972 तक केजीबी ने 10 इंडियन न्यूज़पेपर को पेरोल पर रख लिया, जिसमें उन्होंने अपने एजेंडा को फैलाने के लिए 3500 आर्टिकल्स को प्लांट किया। ये सुनने में काफी दुखद लगता है, पर मित्रखिन के मुताबिक नेहरू और गांधी के शासन में भारत देश एक बिकने वाला देश बन गया था, जिसकी कमान भारत के दिग्गज नेताओं को छोड़कर खुफिया एजेंसियों के हाथों में चली गई थी, जिन्होंने अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए भारत को हर तरह से इस्तेमाल किया। केजीबी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये साफ कह दिया था कि उस समय के दिग्गज नेता ही नहीं बल्कि मीडिया से लेकर सभी जाने माने सलाहकार और इंटेलिजेंस सर्विस सिर्फ सोवियत की कठपुतलियों की तरह काम कर रहे थे, जो बिना किसी रोक टोक के लगातार अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। पर मित्रखिन आर्काइव्स के सामने आने के बाद यूके और यूएसए ने मित्रखिन के दावों की जांच करने के लिए स्पेशल कमेटीज का गठन किया, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से इन दावों की जांच की, जहां पूरी दुनिया मित्रखिन आर्काइव को द मोस्ट सेंसेशनल काउंटर इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट मान रही थी। वहीं इंडिया में रूलिंग कांग्रेस पार्टी के गवर्नमेंट ने इन क्लेम्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए सिंगल इंक्वायरी तक नहीं बिठाई। कांग्रेस पार्टी ने मित्रखिन के इन दावों को बिना किसी जांच पड़ताल के ही रफा दफा कर दिया, जिसके कारण ही आज बहुत से लोग ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया की डार्क हिस्ट्री से अनजान है। तो दोस्तों, ये थी केजीबी की इंडिया में घुसपैठ के कुछ खास फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, जो कि बाकायदा मित्रखिन आर्काइव में दर्ज है। अगर आप भी इन फैक्ट्स को डीपली समझना चाहते हैं, तो मैं आपको मित्रखिन आर्काइव को पढ़ने की सलाह दूंगा, जिन्हें आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेस कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।